अभी तक बिजली उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग लेने के 15 से 20 दिनों के बाद बिजली का बिल मिला करता था। अब ऐसा नहीं होगा। मीटर रीडिंग के समय आपको तत्काल बिजली का बिल दे दिया जाएगा और इसका भुगतान आपको कंपनी के काउंटर पर जाकर करना पड़ेगा। बिजली कंपनी द्वारा इसकी शुरुआत बैतूल जिले में की गई है। हालांकि कंपनी का प्रयास है कि बिल की राशि का भुगतान भी तत्काल हो, लेकिन इस सुविधा को अभी लागू नहीं किया जा रहा है। रजनी जी बताएं, बिल को लेकर के अब आपका मतलब अपग्रेड हो चुका है कि मशीन से ठीक है? सर, संतुष्टि तो अच्छी काफ़ी है। आपने जो नई प्रोसेसर निकाली है, इससे जनता को भी काफ़ी फायदा होगा। जितनी लेडीज है घर की जो जाती आती थी काम धंधा छोड़ के, इससे क्या बेनिफिट ये होगा कि जो एक दो बार जो दो काम होते तो एक ही बार में हो जाएगा बिल भरने का। पहले संशय रहता था आपको कि रीडिंग कम ज़्यादा हो रही है, ऐसा कुछ रहता था? नहीं सर, होता था कम ज़्यादा। इसके कारण क्या है कि वो कई बार लेडीज से भी परेशान होती थी, घर वाले परेशान होते थे, बिजली ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। इससे क्या ये संतुष्टि रहेगी क्या, मतलब ना उपभोक्ताओं को परेशानी रहेगी ना कोई बिल भरने वालों को। मतलब विभाग की जो ये नई हाँ जो चालू हाँ, अच्छी लग रही जी, जी हाँ बहुत अच्छी है सर। इसमें क्या कोई विवाद नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा। इसमें क्या है कि मतलब संतुष्टि इस प्रकार की रहेगी, जितना जलेगा उतना कम से कम पब्लिक को समझ में आ गया कि सही जल रहा है। जी सर, मुझे तो ये लग रहा है कि ये बैतूल के लिए बहुत अच्छा कदम है, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो बिलिंग स्टेप टू स्टेप डोर टू डोर जो बिलिंग मिलेगी हमें, जिस प्रकार का किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी बात है कि ये आगे चल के कोई तकलीफ ना हो इससे। मतलब डोर टू डोर तुरंत मिल जाएगा, तो इससे ये बात नहीं रहेगी कि कितना रीडिंग कितनी ले जा रहा है सामने वाला, जो एजेंट रहेगा कितनी ले जा रहा है, तो इससे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी सामने वाले। पहले कुछ तकलीफ नहीं रहती थी, बट इन पहले ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं रहती थी, बट ऐसा था कि कितनी ले जा रहा है, कितनी जल रही है, तो थोड़ा बहुत संकोच रहता था। अब जो नई तकनीक आई है इससे तो काफ़ी काफ़ी सहायता मिलेगी कि ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि सामने रीडिंग लेना है और सामने स्लिप मिल जाएगी, तो हम उतनी दिक्कत नहीं रहेगी। पहले भोपाल शहर की तर्ज पे हम लोग अब बैतूल शहर में भी स्पॉट बिलिंग की टेक्निक से बिलों का वितरण चालू कर रहे हैं। इसमें पहले जो होता था, पहले मीटर रीडर एक बार कंज्यूमर के रीडिंग लेने जाता था, उसके बाद में फिर वो बिल डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था। तो यह टाइम कंज्यूमिंग था और रियल टाइम पे भी चीज़ें कंज्यूमर को नहीं मिल पाती थी। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है इस सिस्टम को लाया गया है, ताकि ऑन द स्पॉट कंज्यूमर अपना रीडिंग भी देख ले और उसको तुरंत बिल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो बिल देख ले कि जो से बिल मिल रहा है वो सही है या नहीं। कुल मिलाकर जो है चीज़ें एडवांस की गई है ताकि कंज्यूमर को सहूलियत हो। सर ये बताएं, शहर के कितने उपभोक्ता ऐसे जो इससे इनके जो बिलिंग निकलेंगे मशीन से? शहर में लगभग 30,000 उपभोक्ता हैं जो इस बिलिंग से, इस सिस्टम के द्वारा इनकी बिलिंग की जाएगी। अभी कुछ अपग्रेड किया है बिलिंग को लेकर के, जो काउंटर पे काउंटर है, कितने काउंटर अब नए ये कर रहे हैं? बिलिंग को लेकर, बिलिंग जो पहले जो होता था कंज्यूमरों को ऑफिस आके बिल भरने पड़ते थे, इसके लिए सीएससी सेंटर जो है, कॉमन सर्विस सेंटर जो खोले गए हैं, उसमें बैतूल शहर के अंदर 86 कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। अब उपभोक्ताओं को ऑफिस जाके लंबी लंबी लाइनों में कतार पे खड़े रह के बिलों को जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आसपास उपस्थित सीएससी सेंटर्स जो हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बिल भर के अपना समय भी बचत कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी। समथिंग सर, अभी तो स्टार्ट ही किया है, आज से ओपनिंग ही किया है, और अभी जो हमने कम से कम कहना चाहिए 15 से 20 बिल प्रिंट किए हैं, जिसमें से हमें प्रैक्टिकल या रियलाइज़ किया है कि कम से कम 20 से 30 सेकंड लग रहा है एक बिल प्रिंट होने में। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि हमें ऑफिस से एक बिल फाइल दी जाती है, जिसको हम हमारे मोबाइल में सबमिट करके कहना चाहिए, एक ऐप है हमारा निष्ठा है, उसके माध्यम से उसमें सारा रीडिंग वगैरह डाल के MD पावर फैक्टर डाल के उसको प्रोसेस करते हैं, बिल जनरेट हो जाता है, उसके बाद में बिल प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है, बिल प्रिंट करके कंज्यूमर को हम दे सकते हैं। मतलब ये मशीन आपके मोबाइल से कनेक्ट है, वाईफाई के थ्रू सारा वर्क हो रहा है? ये सर एक्चुअल में ऑफलाइन है, मोबाइल में हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक बिल कैलकुलेट करता है, तो हो जाता है सर।